हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे बड़े सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि जो कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग हो रही है वो करना है या नहीं करना है। मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है, उसका तात्पर्य क्या है, इस पर आपको स्पष्ट जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने अन्य साथियों तक, उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं। और हमारी ऐसी ही अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आप जान लीजिए कि चयन बोर्ड ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा क्या है। जितने भी रिजल्ट घोषित किए गए वहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि घोषित पैनल के कॉलम सिलेक्शन एएस में जिनके सामने अनारक्षित यानी यूआर आरक्षित यानी कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अंकित नहीं है, याद रखिए अंकित नहीं है, वो रिक्तियों की संख्या से अधिक के अंतर्गत प्रदर्शित हैं, यानी कि वेटिंग लिस्ट में हैं आप। जिन भी छात्र के नाम के सामने उनकी कैटेगरी अंकित नहीं है वो समस्त छात्र वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, यानी कि 700 वैकेंसी है तो 700 जो छात्र हैं उनकी कैटेगरी लिखी होगी। अगर आपका 701 नंबर है या 710 नंबर है तो आपकी कैटेगरी अंकित नहीं रहेगी और आप वेटिंग में रहेंगे। फिर बताया गया है तथा चयनित अभ्यर्थी की श्रेणी में भी नहीं है, यानी कि आप चयनित अभ्यर्थी की श्रेणी में नहीं है, आपका चयन नहीं हुआ है, केवल उन्हीं का चयन हुआ है जिनके नाम के बाद सिलेक्शन एएस में कैटेगरी यूआर या ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस प्रदर्शित हो रही है, केवल उन्हीं का सिलेक्शन लिया गया है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रत्येक लिस्ट में वेटिंग लिस्ट जारी की गई है प्रत्येक सब्जेक्ट में और सभी ने चेक की है। उसके बाद फॉर्म आपको भरना है कॉलेज का कि नहीं भरना है। तो देखिए, समस्त छात्रों के पास जो ईमेल है और एसएमएस है वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन चयन बोर्ड से वार्ता के अनुसार, अधिकारियों की जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जिन छात्रों के नाम के सामने कैटेगरी नहीं है यानी कि वे वेटिंग में हैं, उन सभी छात्रों को कॉलेज से संबंधित जो फॉर्म है उसे फिलअप नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आगे इसके लिए आपको, अगर आप वेटिंग से ऊपर जाते हैं, सिलेक्शन होता है, तो आपको दोबारा से यहाँ पर मौका दिया जाएगा, दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह प्रश्न बहुत सारे छात्रों का था, तो अब आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी और ऐसी ही स्पष्ट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।